पुरस्कार से स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कलकत्ता के देखला और शैलेश सैलू जी सभासद है, इन्होंने भी 500 रुपये के पुरस्कार से स्वागत किया है। गणेश तिवारी जी हैं जो शिक्षक हैं, इन्होंने 100 रुपये के पुरस्कार से स्वागत किया है। मैं आप दोनों लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शशि का बड़ा प्रेम रहता है और जहाँ प्रेम है वहाँ परदेशी है। हमने पहले भी कह रखा कि जहाँ प्रेम वहाँ परदेशी। कितने लोग इंटरनेट वाला मोबाइल चलाते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं सभी लोग। तो जब आप लोग जाइएगा तो राजेश परदेशी फैन क्लब सर्च कीजिएगा और उसको मालूम कीजिएगा कि मेरे बहुत से गाने जन हित के, समाज हित के, राष्ट्र हित के बहुत से गाने सुनने को मिलेंगे जिनको मैं यहाँ नहीं सुना पा रहा हूँ समय अभाव की वजह से। वे सब आप लोग यूट्यूब पे सुनेगा, राजेश परदेशी ऑफिशियल पे, राजेश परदेशी फैन क्लब पे। अभी आप सबका फेवरेट गीत जो है ई वाला में हाँ कौन वाला बच्चा बता दो कौन वाला तेरा दिल भी के देखला कलकत्ता के देखला आ देखला रे बाबा मैया ई है पी के भदोही जिला के रगावा बड़ी लगदारी बाबा मैया। लोगों ने पूछा ऐसे क्यों दिए तेरे उत्तर प्रदेश बनुआ के रंग में, तो मैंने बताया कि लड़का लगाई पसाया हो जाए। देखो मैं जो कुछ चलाता कि हमने जीवन के पहला गाना रहे बहुत ही मधुबाला की माता दे बड़ी गरीबी है वो घरी भैया चले खातिर साइकिल ही ना रहे एक ही को साइकिल में है। अगर बाबूजी उठी उठा के चल जाते हैं तो हम पैदल हो जाते हैं। आज अब हम उनके लेके चल जाए तो बाबू जी पैदल हो जाते हैं। लेकिन इतना स्नेह इतना प्यार देहनी कि कम राजेश्वर राजेश परदेशी हो गई आपके पते नहीं लागल माई के कृपा भाई किराए के मकान में रह रहे परदेशिया आज माई की कृपा से इतना बड़ा मकान ये बोला है दोनों को हो गई। तो कहीं ना कहीं आप सब सब प्यार बातें आप सबसे दुलार बातें जब हम घरे खाए बैठी ना अब पहला कोवर उठाईला तो कोवर में आप सबके ही रूप नजर आवेला कि कहीं ना कहीं कौन कौन हमार भाई कौन कौन हमार श्रोता ई पुरस्कार के रूप में 500 देले बा केहू 100 रुपया देले बा केहू 200 रुपया देले बा और वही से इजाद मिलती आई बाटे और वही के पैसा के हम खा के हमार परिवार नहीं खाता। तो कहीं ना कहीं आप सबसे ही सीधे बाटे ये बने एक बार फिर आप सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करता राजेश परदेशिया। जब पूछना कि क्या खूबी बा तो हम बताऊंगी ये भैया कि लड़का लगाई दसाया हो जाए निहाल केसरी न्यू गंगेश स्वीट हाउस उनके तरफ से भी 100 रुपये का पुरस्कार ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। क्योंकि स्वीट हाउस का नाम आया तो एक मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है अभिषेक निहाल केसरी जी का जैसे दुकान है न्यू गंगेश स्वीट हाउस उनका भी गौतम स्वीट हाउस है। ईश्वर आप दोनों लोगों के निष्ठान भंडार को यूँ ही बनाए रखें यही कामना है। उन्होंने बहुत निवेदन किया था गौतम स्वीट हाउस वाले ने कि भैया मेरे शादी में जरूर आइएगा। हमने कहा शादी में इतना देर क्यों बुलाओगी बाकी में 50-60 हज़ार तुम्हारा विश्वास होगा तो कहे कि नहीं प्लीज़ जो है क्योंकि मैं जब इधर आता हूँ तो अपनी दुकान की मिठाई मुझे देते हैं कि आप घर ले जाइएगा खुद खाइए परिवार को भी खिलाइए। तो हमने कहा चलिए शादी बरात में तो मैं जाता नहीं लेकिन आपकी शादी में जरूर आऊँगा। तो आप पूरी टीम से आए लेकिन इतनी बारिश हुई इतनी बारिश हुई इतनी बारिश हुई कि पूरा लाट कम से कम 1 फीट पानी से भर गया था।
लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी की एक एक गाना आप गाइए, लेकिन गाइए तो हम लोगों ने बरसते हुए पानी में भी एक गाना दो गाना गाया और उसके बाद फिर विदा लिया। इतना स्नेह आप लोग देते हैं, इसलिए परदेशी आप सबका आभारी है। किरण दिल्ली के देखला, कलकत्ता के देखला, रहे दिल्ली के देखला, कलकत्ता के देखला, देखला रहे बम्बईया, अरे यहाँ पीले भदोही जीना के रजावा, बड़ी रंगदारे लैका लगाई दसयान हो जाए, अरे उल्हवा लगाई तजलान हो जाए, आई रंग महाजन देखी भौ जाए, तुम्हारा परे कुर्बान की हाजी लाभा तो ही के लगा, अरे जहाँ लगाई लाल फर के लागी अगवा, हरियर पियर चाहे काला ने इलावा रे, समझ वाला भैया तब जा के बतावा कौन वाला ये बाबू साहब वाला ने ये बाबू साहब केतनो मनवा तनिको ना भाई, अब पूरे पूरे भीतर जब जाई बहते मजा आई, हे केतनो मनवा केतनो मनवा तनिको ना भाई, पूरे पूरे भीतर जब जाई बहते मजा आई, अरे भौजी मेरे लागी अंगराई, आधारी के तुम तो हसे जलवाई, आई रंगमा जब देखी सावी कही जी जादा लिदा खाली, आ रंगमा जब देखी सढ़ुआई
फागुन में क्लियर होती लाइन हरियर पियर चाहे काला ले पीला ले कौन वाला हो तनि चाट के बता दे कौन वाला ये बाबू साहब वाला हमने इलाहाबाद के लिए भी गाना गाया कि गंगा जमुना सरस्वती के वादी आप जान लीजिए इस ब्रह्मांड में तीर्थ तो बहुत है काशी भी तीर्थ है हरिद्वार भी तीर्थ है तीर्थ बहुत है लेकिन तीर्थों का राजा अगर किसी को कहा जाता है तो प्रयागराज को कहा जाता है जहां ऋषि मुनि देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म भले नहीं प्रयागराज में हुआ है लेकिन आभास की भाई का कम से कम प्रयागराज के लोगों का सेवा करने का मुझे अवसर उन्होंने दिया है इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ इस भूमंडल में आप जाकर देख लीजिएगा कहीं गंगा जी मिलेगी तो जमुना जी नहीं मिलेगी कहीं जमुना जी मिलेगी तो सरस्वती जी नहीं मिलेगी लेकिन गंगा जमुना सरस्वती अगर कहीं मिलती है तो प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है इसलिए मैंने कहा कि गंगा जमुना सरस्वती के ढेर सारा नमस्कार ईश्वर आपकी उम्र लंबी करे कृष्णदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना कहने का हमारे ऊपर बहुत गई भाई काला कंपनी की जी जी हम भी हई तो कॉलेज के बीजेपी ऋषि सुनने रानी शशि भाई जी जी हम भी का होखेला हम कहीं जी जी हम भी के मतलब होखेला कि घीच घाच के मिल पास कालस की कहा घर पा तब के बतौली भैया कि गंगा जमुना सरस्वती के अरे
तो मैंने उसे बताया एक माइक शशि भाई को भी दूंगा। हमने उसे बताया कि कहाँ के लोग आ गए इलाहाबाद, इलाहाबाद आपको कहना है आपने लगता है आबादी ज्यादा बढ़ाई इसलिए आवाज जो है आपका पूरा लग गया ना, काफी दिन से बोल रहे। हमने कहा कि इलाहाबाद के लोग पहले तो छेड़ते नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया तो फिर छोड़ते नहीं। हमने कहा कि 1,250 आबादी एक तरफ और एक इलाहाबादी एक तरफ, तो इलाहाबाद एक बार हाथ उठाते हो इलाहाबाद। मैंने उसे बताया कि कितने लोग इलाहाबाद के हैं आज के हैं पर हाथ उठाते। अगर मैं भदोही का होकर धर्म से सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ इलाहाबादी, तो कितने लोग कहेंगे कि हम हैं इलाहाबादी। सभी लोग एक बार मेरे साथ हाथ लोग भी बोले कितना कह जाने में आगे प्यारे में आगे इतना नाम है इलाहाबाद प्रयागराज का कि आप सिर्फ भारत में ही, आप अगर भारत के बाहर भी बता दें प्रयागराज और काशी के दो ऐसे जनपद है हमारे देश में कि जो परिचय के मोहताज हैं, क्योंकि इतना बड़ा कुंभ लगता है और हमारे तो पौराणिक मान्यता है कि जब महाकुंभ लगता है तो ऋषि मुनियों के साथ साथ देवी देवता भी त्रिवेणी में स्नान करके वेश बदल के आते हैं। ये वो जनपद है जहाँ देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आप सब तो सौभाग्यशाली हैं कि आप सबका जन्म ही प्रयागराज में हुआ। तो आइए मैं रिया को भी चाहूँगा कि आप भी आ जाओ मंच पे, आप भी अपनी प्रस्तुति दे लो, क्योंकि मुझे तो कसी भाई ने कह दिया था 6 घंटा तो 6 घंटा ऐसे चलता था जनरेटर की तरह। माता ने जो कृपा की है, लेकिन यहाँ इतने अच्छे अच्छे कलाकार सब आए हुए, सभी को आप लोग सुनेंगे, सभी को आप लोग देखेंगे, सारे लोग अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अरे आप समन माना ए रवि, आप समन माना चेंज कर, हाँ जी सर। अरे आव समन माना ए रानी, आव समन माना कि मिल जुल गा जितनो जन गणना ए रानी आव समन दिया जाए जिन्हें बड़ा प्लेटफार्म नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे वो दिन याद है
जब मैं छोटे छोटे मंचों पे गाता था, बड़े मंचों के लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ता था, तो सबसे पहले मैं त्रिशाख्या ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, राजेश तुम अच्छा गाते हो, तुम मेरे साथ मेरे बच्चों पे दिल्ली चलो। फिर उन्होंने मुझे दिल्ली के मंच पे गवाया, भारत की राजधानी में। फिर धीरे धीरे गाते गाते फिर जो है हमारे साथ उन्होंने डुएट गाते गाए, मैं तेरी याद आप याद तू मेरा सर सर भैया, आप लोग अक्सर सुनते हैं। तो मेरी ये सोच रहती है कि जो भी मिले उसको ऐसा मौका ऐसा फिर भाग दिया जाए कि वे भी अपनी प्रतिभा को दिखा के आगे बढ़े। तो एक जोरदार तालियां रिया राज के लिए आप लोग बजाएं और अपनी एक प्यारी सी प्रस्तुति दें, उसके बाद एक दो डुएट गाने गा के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो एक जोरदार तालियां रिया राज के लिए। आइए देखिए यहाँ पे हम सब कलाकार यहाँ पे महोत्सव में पधारे हुए हैं और हम लोग के बीच अजय सर जैसे भाई ने यहाँ तक वाराणसी से चल के हमें बुलाया है ना, और हम लोग के बीच में हमारे प्यारी दीदी गीतांजलि दी पहली मुलाकात है, लेकिन हमारे काशी की धरती से सुपरस्टार है भैया है ना आज के दुनिया में। आप चिंता मत करो, लेकिन ज्यादा कहना है आप लोग के लिए, आप सबको पहला पैगाम था, आप सबको पहले हेलो 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 आप सबको पहला पैगाम है मेरा, बस तालियां ही आप लोग का इनाम है मेरे लिए, इससे पहले मैं कुछ संतुष्ट करूं, आप लोग को शादर प्रणाम है मेरा, प्रणाम है मेरा।